इंदौर के वार्ड 79 में सड़क के सीमेंटीकरण और बगीचे की बाउंड्री वॉल मामले में इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई की है। यहां काम होने के पूर्व ही फर्म ने बिल तैयार कर लिया और निगम की लेखा शाखा में जमा भी करवा दिए। गड़बड़ी सामने आने पर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने जोन स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। विनियमित प्रभारी उपयंत्री कमलेश शर्मा और जोनल अधिकारी सतीश गुप्ता ने 52,61,601 रुपए की राशि का अधिक माप बताकर हस्ताक्षर करते हुए सत्यापन कर दिया, यानी सड़कों का काम पूरा भी नहीं हुआ और बिल लेखा शाखा को भेज दिए गए। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुबंधित फॉर्म से साठगांठ करते हुए निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने के कृत्य के लिए शर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त किया जा रहा है। वहीं जोनल अधिकारी गुप्ता को दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और को लाभ पहुंचाने का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि हमारे संज्ञान में आया था कि शहर में कुछ जगह रोड निर्माण में व बाउंड्री वॉल के निर्माण में अनियमितता की गई थी, उसी के संबंध में अधिकारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें कर्मचारी की सेवा समाप्त और निलंबित किया गया है। देखिए, अभी संज्ञान में आया था, निगम हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ जगहों पर रोड के निर्माण में बाउंड्री वॉल के निर्माण में अनियमितता बरती गई थी, तो वो उस पर कार्रवाई की गई है। संबंधित जो अधिकारी हैं, इसमें जो बेनियमित कर्मचारी थे, उनकी सेवाएँ समाप्त की गई हैं। हमारे जो कर्मचारी सब इंजीनियर थे, उनको निलंबित किया गया है। विभागीय जांच भी करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ये लगातार शिकायतें तो आती हैं कर्मचारियों की, बाकी इनसे नकल कसने के लिए किस तरह का अभियान चलाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, बहुत सारे कार्य होते हैं, सब करते हैं, लेकिन कार्य जो है नियम के हिसाब से होना चाहिए और जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से होना चाहिए। कार्य की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उसकी एंट्री हमारे मेजरमेंट पुस्तिका में होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रकरणों में देखा गया कि वो जो एंट्री हुई है वो एंट्री प्रॉपर नहीं थी, और इसी कारण से अगर वो चीज़ें हो जाती तो नगर निगम का अनावश्यक अधिक भुगतान हो जाता, तो उसको हमने रोकते हुए और जिन्होंने ये एंट्री में एंट्री की है और उन इंजीनियर के खिलाफ हमने इस पर कार्रवाई की है, विभागीय जांच भी सुनिश्चित करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस विषय पर आगे जांच कर और कठोर कार्रवाई करने की बात निगम आयुक्त ने कही है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।